प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे तो हमेशा की तरह उनकी एक झलक के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। पीएम मोदी ने सूबे की वीरभद्र सरकार पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले किए। ये देवभूमि में पांच राक्षसों को पनपने का मौका हिमाचल की वर्तमान सरकार ने दिया है, और ये पांच राक्षस इतने फले फूले हैं, इतने ताकतवर हो गए हैं कि शिमला में बैठी हुई सरकार को उनके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर करके रखा गया है। और पर्दे के पीछे इन पांचों राक्षसों के कारण साफ नजर आ रहा है कि वहीं से उनको आशीर्वाद मिलते हैं, वहीं से उनको रक्षा होती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की तुलना लाफिंग क्लब से की। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तंज कसते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री जमानत पर है वो अपने मैनिफेस्टो में जीरो टॉलरेंस की बात कह रहा है। कांग्रेस पार्टी अब एक लाफिंग क्लब बन गया है, लाफिंग क्लब। उसके बावजूद भी कल टीवी मीडिया के सामने आकर के अपने मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं, और मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनेगी तो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होगा। मतदान से पहले पहाड़ों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आएगी नेताओं के तेवर तल्ख और आक्रामक होते जाएंगे।